हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी सी मल्टी विंडो ई कॉमर्स की ट्यूटोरियल चल रही है, तो ऐसे अगर हम कंटिन्यू करते हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में इसके मैनेज प्रोडक्शन वर्क किया था, जिसमें हमने इसका यूआई बनाया था पूरा और एक फॉर्म डिज़ाइन किया था, जिसमें हम इस प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए फील्ड थी। और हमने यहाँ पर ब्रांड डिस्प्ले करा चुके थे, देन कैटेगरी के अकॉर्डिंग सबके डिस्प्ले करा चुके हैं। अगर हम इसे रिफ्रेश करके आते हैं एक बार, और यहाँ पर अगर हम इसे चेंज करते हैं और इसे अगेन यहाँ चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें सब कैटेगरी मिल रही है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास सब कैटेगरी आ रही है, तो इससे हम इस तरह से वर्क कर रहे थे। तो अब हम इसे डेटा में इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बग है, उसे हम रिजॉल्व करेंगे। तो बग हमारा ये है बेसिकली कि हम जैसे ही यहाँ पर देखिए, अगर हम अभी कुछ नहीं है, अगर हम कैटेगरी सब एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे पास कैटेगरी की सब कैटेगरी आ चुकी है एग्जाम्पल की। लेकिन अगर इसे अनसेलेक्ट कर देते हैं तो भी यहाँ से ये डेटा रिमूव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें एक वर्क करना होगा। तो सबसे पहले हम इस बग को रिजॉल्व करेंगे। तो बग को रिजॉल्व करने के लिए हम आ जाते हैं हमारे जेएस के अंदर, जहाँ पर हमने इसके लिए जेएस लिखी थी। तो हम इसे ओपन करते हैं, देन जेएस पार्ट पर हमने यहाँ पर लिखा था, तो इसके एल्स ब्लॉक पर आएंगे हम। और यहाँ पर हम करेंगे इसे कॉपी, देन पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हम देंगे ऑप्शन ऑप्शन, और यहाँ देंगे सेलेक्ट सेलेक्ट, और इसकी वैल्यू देंगे यहाँ पर वैल्यू, और वैल्यू होगी नल होगी। देन इसे सेव करते हैं, देन अगेन हम इसे करेंगे रिलोड, और अब चेक करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर कोई सब कैटेगरी नहीं है। हम यहाँ पे चेक करते हैं एग्जांपल, तो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। देन अगेन इसे हम अनसेलेक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अभी भी डेटा आ रहा है। हमारा एल्स ब्लॉक पर वर्क नहीं कर रहा। एक बार हम इसे हार्ड लोड कर लेते हैं, हो सकता है हमारी जावास्क्रिप्ट लोड नहीं हुई हो। हम इसे करते हैं एक बार हार्ड लोड और अगेन चेक करते हैं, तो अभी कुछ नहीं है डेटा यहाँ पर। देन एग्जांपल, तो डेटा आ रहा है। देन सिलेक्ट करने पर देखिए रिमूव हो चुका है, तो वो कैसे का इशू था, हमने हार्ड लोड किया, तो ये हमारा इशू रिजॉल्व हो चुका है। देन अगर एग्जांपल, तो यहाँ डेटा आ रहा है। देन अनसेलेक्ट करने पर हमारा डेटा रिमूव हो चुका है। तो अब हम इसे डेटा में इंसर्ट करेंगे। तो हमने ये URL बना चुके थे, देन इसे URL का यूज़ करते हुए हम एजेक्स फायर कर रहे थे डेटाबेस ऑपरेशंस का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर इसका URL है product/manage product, और इस URL का यूज़ करते हुए ये फॉर्म जो है यहाँ तक पूरा कवर है। ये देखिए आप नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ तक इसका पूरा फॉर्म टेक कवर है। और ये हमने फॉर्म हमारे प्रीवियस वीडियो में बनाया था पूरा, और इसमें हमने यहाँ पर दिया है कि base.url/product/manage product जो हमारा करंट URL है, इस पर हम एजेक्स फायर करेंगे इस डेटाबेस ऑपरेशन ID का यूज़ करते हुए, जो हमने जेनरिक JS लिखी हुई है, जो हम हमारे सारे कोड में यूज़ कर रहे हैं। और ये जो कोड है, ये हमने लिखा है हमारी custom.js फाइल पर, और custom.js फाइल में आपको यहाँ पर ये कोड मिल रहा है। इस कोड पर हमने लिखा है कि जो डॉक्यूमेंट के ऑन सबमिट पर हमने कोड लिखा है कि जब डॉक्यूमेंट पर डेटाबेस ऑपरेशन नाम का जो फॉर्म है वो जब सबमिट हो, तब हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, जिसमें हम लिखते हैं कि जो URL है वो हम गेट करेंगे करंट URL, जो भी फॉर्म का करंट URL है हम उस करंट URL गेट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर है वेरिएबल डेटा, जिसमें हमने करंट फॉर्म का सारा डेटा सिलेक्ट करके गेट कर लिया है। देन उसके बाद हमने URL और डेटा का यूज़ करते हुए एजेक्स फायर करी है, और एजेक्स का जो भी रिस्पॉन्स आता है हमने इसे ट्रू के अकॉर्डिंग या फॉल्स के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं। अगर ट्रू होता है तो हम इसे अलर्ट देते हैं सक्सेस का, और उसे रिडायरेक्ट कराते हैं पर्टिकुलर URL पर, अदरवाइज हम अलर्ट देते हैं जो भी हमें मैसेज हमें अरे कंट्रोलर से रिटर्न होता है। तो आइए हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने आज तक हमारा URL हम सेट कर चुके हैं, अब हमें इस URL पर डेटा गेट करना है। तो यहाँ पर हम चेक लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम if $this input method, अगर पोस्ट होगी तो यहाँ पर, अदरवाइज else ब्लॉक में इसे करते हैं हम कट और पेस्ट करेंगे, कट करते हैं और पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर हम करेंगे $print_post, देन अगेन करते हैं रिफ्रेश और चेक करेंगे कि हमारी एजेक्स वर्क कर रही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं, नेटवर्क चेक करेंगे, नेटवर्क को हम यहाँ से कर देते हैं खाली पूरा। तो ये जो है हमारा नेटवर्क खाली हो चुका है, और अब करेंगे हम क्लिक, तो यहाँ पर हमें डेटा मांग रहा है, हम देंगे product1, और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, देन सारे हम वैल्यू फिल कर देते हैं,
और सॉरी और टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, देन क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड मांग रहा है, तो अभी फिलहाल हम इसे रिक्वायर्ड रिमूव कर देते हैं इसका, या हम सिलेक्ट कर लेते हैं फाइल, फाइल हम अपलोड नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम करते हैं इसे क्लिक, देन आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सारा डाटा आ चुका है, जिसमें आ चुके ब्रांड आ चुका है, सारा डाटा आ चुका है जिसमें हमारा नेम है, ब्रांड है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, प्राइस है, क्वांटिटी है और डिस्क्रिप्शन है। हमारे पास इमेज नहीं आई है, अगर हम चाहते हैं कि हम इमेज देखना चाहते हैं तो इमेज अभी हमारे पास आएगी नहीं, क्योंकि हमने इस पर कुछ वैलिडेशन भी लगाई है, इस पर हमें JS में थोड़ा बहुत चेंजेस करने होंगे। तो अगर हम इसमें फाइल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये वाली JS लिखी है, इस JS का यूज़ करते हुए यहाँ पर इमेज नहीं आ सकती है, तो हम इस इमेज JS में थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इमेज लेके आएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम केवल इसके टेक्स्ट बेस पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे गेट करना है हमें, तो इस डेटा को हमें डेटाबेस में इंसर्ट करना है, तो हम बिना इमेज के भी डेटा इंसर्ट करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में इसे इमेज के साथ एड करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स करना होगी। तो यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे $CM इंसर्ट डेटा, और यहाँ देंगे मैनेज प्रोडक्ट्स, यहाँ पर प्रोडक्ट्स नाम की टेबल है हमारी प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर हमें करना है इन $_POST के अंदर जो भी डेटा है उसे हमें करना है इंसर्ट। और यहाँ पर अगर डेटा आता है तो यहाँ करेंगे हम इफ $RES, और यहाँ देंगे RR के अंदर एरे, तो इसका जो स्टेटस होगा वो होगा ट्रू कॉमा मैसेज होगा प्रोडक्ट सक्सेसफुली एडेड, देन इसे हम करेंगे रिलोड बेस URL डॉट प्रोडक्ट स्लैश मैनेज प्रोडक्ट्स को हम इसे करेंगे रिडायरेक्ट, अदरवाइज एल्स ब्लॉक में आते हैं और यहाँ लिखेंगे RR, और जो इसका स्टेटस होगा वो होगा फॉल्स, देन मैसेज होगा प्लीज ट्राई अगेन, देन यहाँ करते हैं हम इसे एको JSON encode $ARR, देन अगेन अब हम इसे रन करा के देखेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं क्लिक और देखते हैं डेटा हमें इसमें हमारा डेटा जा रहा है या नहीं। तो हम जैसे करेंगे क्लिक तो हमें एरर मिल रही है, एरर है डेटाबेस के अकॉर्डिंग, तो हम देखते हैं क्या एरर है डेटाबेस के अकॉर्डिंग। तो इसमें एरर आई कि सब कैटेगरी से नहीं मिल रही है, तो हम इस नाम कॉपी करेंगे और देखते हैं क्या दिक्कत है सब कैटेगरी से रिलेटेड। तो यहाँ पर है सब अंडरस्कोर कैटेगरी, तो हम इसका नाम अल्टर कर देंगे, तो इसे यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं नाम, तो इसे करेंगे चेंज, और यहाँ पर हम इसका नाम कर देते हैं चेंज, देन अगेन फॉर्म क्लियर करेंगे, देन क्लिक। और भी कुछ डेटा एरर आ रही है जिसमें मैचिंग मैच हो रहे हैं, तो ये प्राइस भी नहीं मिला इसे, स्मॉल और कैपिटल का इशू है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर अमाउंट है और हमारे पास प्राइस है, कुछ ज़्यादा अंतर है, तो इस अमाउंट को हम कर देंगे प्राइस। और भी हम देखते हैं अगर कोई एरर आती है, ठीक डेटा हमारा इंसर्ट होता है, तो देखिए प्रोडक्ट सक्सेसफुली एडेड, और उसके बाद हमारा पेज जो होगा वो होगा रिलोड। और अगर हम डेटा बेस आगे चेक करते हैं तो ये देखिए इसकी आईडी आ रही है टेस्टिंग, देन सब कुछ हमारा डेटा आ चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा इशू है जिसमें कैटेगरी और सब कैटेगरी नहीं आई है, बाकी ब्रांड भी आ चुका है, ब्रांड की आईडी आ गई है, देन स्टेटस नहीं आया, तो हमें इसके लिए रिजॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले इनके डेटा चेंज करेंगे, तो हम इसे डिलीट करते हैं। तो हमें करना होगा इसके लिए जो हमारी कैटेगरी और सब कैटेगरी है, इसका हमें डेटा टाइप जो है वो हमें करना होगा वेयर केयर, वैसे करेंगे 250, और इसे भी सब कैटेगरी की भी हम कर देंगे वेयर केयर, और साथ ही साथ जो स्टेटस है वो नल आ रहा था, तो हम इसे एस डिफाइन करेंगे 1। तो यहाँ से करते हैं एस डिफाइन और इसमें असाइन करेंगे 1, देन अगेन अब हम अगर ऐड करना चाहते हैं प्रोडक्ट, तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट 1
देन इसमें हम एक डमी इमेज कर लेते हैं फिलहाल तो, और यहाँ से हम ब्रांड सेलेक्ट करेंगे इसकी सब कैटेगरी, और देन और टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन, और इसे करते हैं हम ऐड। तो ये देखिए प्रोडक्ट सक्सेसफुल एडेड। देन इसके बाद अगर हम ये डेटाबेस चेक करते हैं तो ये देखिए हमारा सारा डाटा आ चुका है, जिसमें ब्रांड की आईडी, कैटेगरी का नेम, सब कैटेगरी का नेम, देन स्टेटस वन आ चुका है। केवल जो इमेज वाला ब्लॉग है वही हमारा एम्प्टी है, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में हमारी इमेज को अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।